जी स्टैंड अप कॉमेडी जहाँ पे हम यंग स्टैंड अप कॉमेडियंस को चांस देते हैं, तो आपकी इजाजत से तशरीफ ला रहे हैं जानजेब सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सर हम माशाल्लाह हमेशा आपको टीवी पे ही देखा है, सही है, और आज ऐसा है कि हम दोनों टीवी पे साथ आएंगे। ये मेरी खुशकिस्मत ही है। शर्मिंदा कर लिया आपने मुझे। आप हुए नहीं लेके। मैं बहुत डीट हूँ, सीख रहा हूँ ना। अच्छा मसला ये कि मैं आजकल काफ़ी नाराज़ हूँ, ये कि आप भी कराची वाले, मैं भी करा, हम समझ सकते हैं फ्रस्ट्रेशन ट्रैफिक वाली। मैंने बाइक बुक कराई जाने के लिए, हम जाने के रिक्शे ने मार दिया हमें, हम नीचे पड़े में, रिक्शे में से एक आंटी झांकी, उन्होंने कहा बेटा बेटा भाद्राबाद यही रोड जा रहा है ना। मैं रोड पे पड़ा हूँ। और बाइक वाले को तो इग्नोर ही कर दिया उन्होंने कि वो तो प्रोफेशनल है, उसका रोज का है। उनकी बेटी सेंसिबल थी, उसने उनको, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, भाई टीपू सुल्तान जाने। तो ट्रैफिक में मैंने देखा लोग बड़ी बड़ी अजीब हरकतें कर रहे हैं आजकल। ये अल्लाह रहम करे बाइक वालों पे, जब ये चलते हैं ना तो ऐसा लगता है चेचक चल रहा है। अल्लाह अकबर, ऐसे ही है, चेचक के तरह हर तरफ से निकल के जा रहे होते हैं। उससे कोई लेन नहीं होता है उनका। चिंची वाले ज्यादा खतरनाक है, वो भूल ही जाते कि पीछे डाला भी लगा हुआ है। रॉकेट पे होते हैं ना, ना ना वो रॉकेट चला रहे होते हैं, वो सारा फजल में राइट लेन में उड़ा रहे होते हैं गाड़ी। तो अब लोग बड़े खुदगर्ज, मेरा खुद का दोस्त वो बड़ा खुदगर्ज है भाई। हम गाड़ी में भी जा रहे, पीछे एक एम्बुलेंस सायरन बज रहा है। मैंने कहा जर रास्ता दो उसको, साइड मिरर में देख रहा है, कह रहे नहीं पेशेंट साइड है, जूस वूस पी रहा है, कौन जाएगा। खुद जज कर रहे हैं लोग। एम्बुलेंस जा रही है तेज, एक बाइक वाला साथ 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 साथ, वो झांक रहा है कि उसको क्या हुआ, चेक कर रहे हैं वो। उससे पूछा क्या हुआ इसको, कह रहा एक्सीडेंट हो गया, टांग में चोट आई है। कह रहे तो कुछ भी नहीं है, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। आपने ये नहीं देखा एम्बुलेंस के पीछे बाइक वाला लगा लेते रास्ता ले। सर गाड़ी सर आगे आ रहा है वो, वो मैं ही हूँ वो बाइक वाला। अब यही जो आपने बात की, अब ऐसे में मुझे किसी ने एक एडवाइस दी कि यार मैं ऑफिस से लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा तो टेंशन की बात थोड़ी है, रस्ते में जो भी एम्बुलेंस देखो पीछे लगा लो, तो लोगों को लगेगा कि जो एम्बुलेंस में बैठा है उसका रिश्तेदार है कोई। तो मैंने लगाई और मैं 10 मिनट में पहुंच गया हॉस्पिटल। थूक गया नहीं, आपको ले कौन गया फिर एम्बुलेंस वाला? सर मैं वहां पहुंच गया, मैं क्लूलेस खड़ा हूं कि मैं करूं क्या यहां पर। तो एम्बुलेंस से वो आंटी को निकाल लेते, अच्छी खासी आंटी ने यूं देखा वो, अच्छा उनको लगा कि मैं उनका बेटा हूँ, लोगों को लगा। तो लोग कह रहे हैं अरे आंटी टेंशन नहीं ले, आपका बेटा साथ ही खड़ा हुआ है। करिए मैं जानती नहीं हूँ आदमी कौन है। मैंने कहा मैं भी नहीं जानता इस औरत को। तो उन तो वो ना मशवरे दे रहे, कह रहे ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मुझे बुला के नर्सबली कह दे माफ़ी मांग लो इनसे। मैं कह यार आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं बड़ा शरीफ आदमी था, माफ़ी मांगने कह रहा था। मैं समझा वो कह रहा हूँ जो मांगना अभी मांग लो निकल लेंगे। ये भी था। लेकिन थोड़ी मुतवस्सित तबके की खातून थी। हालांकि पाकिस्तान में शरीफ ने कभी माफी नहीं मांगी। शरीफ माफी नहीं मांगते, बदमाश जेल ही जाते हैं सिर्फ। माफी हमेशा बदमाश मांगते हैं। वाह। मैं बाइक पे जा रहा, बाइक मेरी खराब, अंधेरे में, मैंने कहा ऐसे में कौन साथ देगा मेरा। तो पीछे से मुझे धक्का लगा, तो मैंने देखा तो एक आदमी टंकी पे एक बच्चा बैठा, फिर दूसरा बच्चा बैठा, फिर उस आदमी का पेट, फिर वो पीछे वाइफ, उनकी गोद में एक बच्चा, पीछे एक बच्चा। ऐसे में ये मुझे सहारा दे रहा है और कह रहा है छोड़ दूं। मैंने कहा माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए, आप छोड़ दें। कह रहा आगे तक छोड़ दूं। मैंने कहा बिल्कुल छोड़ दें यार आप, तो आगे तक ले गया मुझे। अब रास्ता इतना लंबा कि घरेलू सी बात हो गई, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहा गुड्डू पप्पू और छोटू को नानी के यहाँ से लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई बच्चे 2 ही अच्छे नहीं है? कह रहा मैंने रेडियो पे सुना था, मुझे लगा बच्चे 9 ही अच्छे। तो आपके कितने बच्चे हैं? सर मैं तो खुद एक बच्चा हूँ। अब ऐसे में घरेलू बात हो गई, तो वो खातून भी अच्छी दिल की थी, उन्होंने हलवा निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा बेटा जाओ ये हलवा खा लेना रास्ते में, और सुनो याद से डब्बा वापस कर देना। ऐसे में अब बाइक मेरी चल पड़ी, वो कह रहा अच्छा सुनो तुम्हें अगर जाना हो ना तरकीब बताता हूँ, कोई एम्बुलेंस जा रही है उसके पीछे लगा लेना, जल्दी पहुंच जाओगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। जी निहाल भाई कैसा लगा आपको टैलेंट हमारा? कॉमेडियन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मुझे तो निहाल भाई ज्यादा अच्छे लगे। जाजे बेल्टा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।